कांग्रेस के विचारधारा से युवा पीढ़ी को जोड़ने और भाजपा सरकार के जन विरोधी फैसलों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस राज्य भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। इसी दौरान महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले को लेकर जनता को जानकारी देंगे। वहीं प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। पार्टी के इसी संघर्ष को लोगों को बताने की आवश्यकता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बिल्कुल शुभारम्भ होने जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पूरे तरीके से सफल भी बनाएंगे इस कार्यक्रम को। देखो देखिए, जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। वो इसलिए कि हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों को भगाने के लिए। हमने 13 किलोमीटर तिरंगा यात्रा कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित है, जिसको हम अभी जो समापन हमारा 14 तारीख का है वो हम कटघरिया या फतेहपुर या यहाँ से करेंगे, कुछ गांवों के बीच में उनको ले जाएंगे। है ना, ये लोग आज ये भगवा ग्रहण करने के वाले लोग आज तिरंगे को मान रहे हैं, धोरंगे के लोग, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं होने वाला है। और आज जो देश का माहौल है और जो देश में जो सांप्रदायिक माहौल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे युवा हो, चाहे आज कांग्रेस ने भारत जो हो हमारा दिया कि हम वही भारतवासी है जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाया। और आज स्वतंत्रता का जो श्रेय है